हेलो गाइस, एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आज हम माता जी के मंदिर के दरबार के पास है ना, तो माता जी की आज पूजा रात को 8 बजे से स्टार्ट होगी। माता जी का श्रृंगार होता है, तो यहाँ पे संत श्री अखिल दास जी द्वारा ये श्रृंगार किया जाता है और वो 3 से 4 घंटे श्रृंगार माता जी करते हैं। जब श्रृंगार करते हैं माता जी के तो बहुत समय लगता है और सभी दर्शक सभी भक्तगण बाहर खड़े रहते हैं। जब माता जी का श्रृंगार हो जाता है तभी वो सब लोग दर्शन पाते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ना, अखिल दास महाराज, अखिल दास महाराज जी के मुखार बिंदु से निकलते हुए वर्ण है। कंचनपुर की नगरी में भव्य स्वागत है, भव्य स्वागत। अखिल दास महाराज जी का और माला मतलब होता है, बेटे गलती करे तो माँ मारती है, पछताती है, लेकिन बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए। जी के मंदिर की चारों तरफ थोड़ा दिखा देते हैं कैसे हमारा सुंदर ये माहौल है। देखो ये तालाब है ना, तालाब पूरा तरफ भरा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और देखो पूरा जंगल का एरिया है और इसके बगल से यमुना जी बहती है। बहुत अच्छा हमारा गांव है, कंचनपुर एकडला के नाम से विख्यात है। और देखिए इधर भी जंगल है और देखिए माता जी के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मतलब इतना सुहाना दृश्य कि मत पूछो यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे गाँव से बहुत अच्छा लगा हुआ मुझे। और दिखाते हैं आपको, देखिए उधर से रास्ता गांव के लिए, वो गांव रास्ता चला जाता है। और वो देख रहे हैं तो माता जी का मंदिर है। इधर ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल से पानी चलता है, तालाब में आता है, सिंचाई भी है, तो खेती भी होती है ना, थोड़ा बड़ा जो खेती करने का रकबा है तो वहाँ पे खेती भी होती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद।